बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद बाबर और आप लोग देख रहे हैं HNN ओजोरी। दोस्तों आज की वीडियो इतनी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन मेरे कुछ जो पट्टे थे वो सेल हो चुके हैं, तो उनको मैं ट्रांसफ़र कर रहा था ये अपने बड़े पट्टों के केज के अंदर। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर लेते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि एक हफ़्ते पहले इनकी क्या कंडीशन थी और ये आप कितने बड़े हो चुके हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं अपने सेल पट्टों को इस बड़े केज के अंदर। दोस्तों पट्टे थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए जो है ये केज मैंने निकाला है और केज के अंदर भर के लेकर आएंगे। इंशाल्लाह बड़ा माल जमा हुआ है माशाल्लाह से। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी आज, क्योंकि आज मेरे को एक हाथ से पकड़ना भी है पट्टों को और एक हाथ से वीडियो भी बनानी है, तो कुछ थोड़ी सी परेशानी होगी। वीडियो आड़ी टेढ़ी होगी, तो इसके लिए पहले से I am really sorry। चलें पकड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर देख लेते हैं कौन कौन से। वैसे मैंने ताड़ के तो पहले ही रखे हुए थे कि कौन कौन से मुझे पकड़ने हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले चलें ये लालबन हम लोग उठा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा हो चुका है, खुद ही खा रहा है खुद ही पी रहा है, तो ये सर्वाइव कर लेगा अकेले। ये जो है मेरे फोस्टर के नीचे से बड़ा हुआ बच्चा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हेल्दी एक्टिव। तो दूसरे पे जी चलें आप खाल चप कटारदार, दोस्तों कहीं से कटा पीटा नहीं है, पूरा हर जगह से भाग रहा है, बस थोड़ा सा हाथ में नहीं आ रहा। दोस्तों दूसरा पट्टा हम लोगों ने ये डाल दिया, माशाल्लाह आज कलरफुल, बिल्कुल रंग बिरंगी जो कबूतर जिसको कहते हैं ना, एक्चुअल में कलरफुल है सारे वो पट्टे जो है वहाँ पे जाएंगे। और उस केज के अंदर ऑलरेडी पहले से भी काफ़ी सारे पट्टे मौजूद हैं जो बड़े हो रहे हैं और मादियाँ हैं, और जो फुल नर हो जाते हैं तो उसको मैं बराबर में शिफ्ट करेगा। ये देखें काफ़ी काबरा गुलिया, माशाल्लाह गुल ज़बरदस्त आ गए हैं इसके अंदर। एक हफ़्ते पहले इसका ये रिज़ल्ट निकला, लेकिन हफ़्ते बाद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गुल आ गए हैं इसके भी। पूरा पोटा जो है वो गुलों से भरता जा रहा है और बड़ा हुआ तो और लाजवाब हो जाएगा। दूसरा तो ये सबस काबरा जो है गुलियर लाल गुलों में, दुआ करता हूँ कि ये मादी निकल जाए, क्योंकि मुझे इस वक्त इस टाइप की मादी की बड़ी शद ज़रूरत है। तो ये चार पट्टे हो गए और पीछे गुलाबी नज़र आ रहा है, चले गुलाबी को पकड़ लेते हैं पहले। माशाल्लाह तबीयत भी हेल्दी और एक्टिव बहुत ज़बरदस्त। उसका दूसरा भाई जो है वो थोड़ा होशियार है, पाँव फंस गया उसका। सब फड़फड़ा रहे हैं और माशाल्लाह से ये देखें मेरा वाइट बार भाग रहा है। ये कबूतर तो वैसे इनके रगों में जो ना खून तेल तोड़ता है, बहुत तेज़ कबूतर होते हैं माशाल्लाह से ये भी। तो ये होगा पाँच, के बाद मेरे से एक ये देखें दूसरा माशाल्लाह गुलाबी देखें, ये देखें ये भागा। तो ये दोस्तों पर सर मैं कैमरा हाथ में, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे पकड़ने में, और ये पकड़ा गया जल्दी से डाल देते हैं और हाथ से छूट जाएगा, बहुत चिकना हो रहा है। और मेरा करबलाई गंडेदार का बच्चा जो है वो कहाँ है, ये रहा। तो ये दो बच्चे ये भी दो सेल्फ हो चुके हैं। तो ये जो दूसरा बच्चा है इसके साथ ये छोटा है लेकिन खा खुद रहा है, तो चलो इसको भी वहीं पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इनको चलो चलते हैं और अपने बड़े पेज के अंदर जो है वो छोड़ेंगे। पहले मैं आपको रखे बाल सारे दिखाता हूँ, इसके कलर देखें माशाल्लाह सबके, और रोशनी के अंदर थोड़ा सा आ जाते हैं बाहर हम। एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से पिंजरा भी माशाल्लाह भारी हो गया है, 4-5 किलो के कबूतर होंगे ये, खाते रहते हैं सारा दिन, वहाँ पे जाएंगे तो लिमिट का दाना मिलेगा और अच्छे होंगे। तो अगर इनको एक हफ़्ते बाद जब आप उस केज के अंदर देखेंगे तो इनका रंग रूप ही कुछ और होगा। तो ये देखें माशाल्लाह गुलाबी आपके सामने ही है, गुलाबी है, रेसर है, और करबलाई वो देखें, कासनी काबरा गुलियर वो देखें, खाल चप कटारदार, और लालबन और सबस काबरा। दोस्तों अभी फ़िलहाल ये जो है जवान हुए हैं यानी कि सेल्फ हुए हैं, इनको छोड़ देते हैं। बाकी के जो पट्टे हैं उनकी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना लेंगे, वरना वो तो लगता है कि एक एक करके ही वो उनको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे।
उसके अंदर कुछ काले करबलाई हैं और कुछ वाइट बार हैं और कुछ काबरें हैं, लालबन है उसके अंदर। चले इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग केश की हालत थोड़ी सी इस वक्त नासाख्ता हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत है 2-3 दिन से, तो इसलिए मैं जो है सफ़ाई नहीं कर पाया यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सफ़ाई ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। मैं क्या कर दें, सबको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालना क्या, खुद ही सारे बाहर आ जाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, फुल एक्टिव ज़बरदस्त किस्म की जो है वह इनकी ग्रोथ हुई है। तो करबलाई देखें माशाल्लाह, सिर्फ हल्की सी टोपी पर आ गई, अगर ये ना होती तो इसके रंग रूप का तो जवाब ही नहीं था। तो दोनों गुलाबी बैठे हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ गया, बस डार्क हो गया। इसको हम खुद निकाल देते हैं, ये इसको जगह नहीं मिल रही लगता निकलने की। तो मैं चलें आपको दिखा देता हूँ उनको अंदर से भी। ये देखें, ये मैंने छोड़ा है यहाँ पे, और ये करबलाई मैंने छोड़ा है यहाँ पे, और ये सबस छोड़ा है, और ये है गुलाबी। वो ये गुलाबी ये नीचे बैठा हुआ है, और ये जो है काबरा। देखिए माशाल्लाह इसका सीना कैसे गुलों से जो है वो भर गया है। ये सबस जो बराबर में देख रहे हैं, ये मैं पहले अकेला ही बड़ा हो गया था, तो मैंने अलग से लाके छोड़ दिया था पहले ये। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आज यहाँ पे सारे छोड़े हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे, और ये तो कुछ ज़्यादा ही मुझे बहुत अच्छा और पसंद आ रहा है। दोस्तों एक कबूतर मिसिंग नज़र आ रहा है मेरा, चले उसको भी तड़का लगा देते हैं। ये है मेरा सबसे अभी तक का बेहतरीन कासनी काबरा, और बचपन से ही गुलियर, तो भी पकड़ के छोड़ देते हैं। चलें इसको भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।